ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप का न्यू फोटो एडिटिंग। सो गाइस जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल में गाइस, ठीक है, तो आपको मैं इस वीडियो में कुछ बैकग्राउंड पेजेस दूंगा जिन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस मैं आप सभी से एक ही चीज कहना चाहूंगा यार कि मतलब इस वीडियो का जो कलर ग्रेडिंग वाला पार्ट होगा यार आप लोग यार बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि गाइस क्या होता है कि कई बार आप लोग मतलब कि कलर ग्रेडिंग वाला पार्ट यार आप स्किप करके चले जाते हो एंड आप लोग PNG वगैरह डाउनलोड करते हो एंड फोटो एडिटिंग करना स्टार्ट कर देते हो अपनी फोटो को, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि यार आप लोगों को कलर ग्रेडिंग वाला पार्ट पता नहीं होता और आप लोग बाद में जब कलर ग्रेडिंग कर लेते हो फिर बाद में आप बोलते हो कि भाई हमारा तो वैसा सेम फोटो एडिट नहीं हुआ है। तो गाइस प्लीज़ यार आप लोग यार कलर ग्रेडिंग वाला पार्ट जरूर देखा करो यार, तभी आप लोग सेम फोटो एडिट कर पाओगे। तो गाइस आप लोग देखना जरूर एंड बाकी कैसे अगर अभी तक आप सभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चलिए गाइस आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रिकॉर्ड के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस आप सभी को सबसे पहले करना है क्या गाइस, आप सभी को अपनी फोटो को पहले पिक्सआर्ट में ओपन करना है। पोज गाइस मैटर नहीं रखता, आपको जिस जैसा पोज चाहो वैसा रख सकते हो। देन गाइस आपको जाना है ऐसे ऐड फोटो में एंड गाइस यहां से आप सभी को ऐड करना है एक PNG, ठीक है गाइस। लेंस की मैंने आपको 2-3 PNG दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको जोन सा अच्छा लगे आप उसको यूज़ कर लेना। फिर गाइस आपको जो है जो लेंस आप यहाँ पे ऐड करोगे गाइस उसको आपको सिंपली अपने एक आई की तरफ ले जाना है, ठीक है। एंड आप चाहो तो दोनों तरफ भी लगा सकते हो, बट गाइस फोटो में अगर आपको एक तरफ ही लगाना है तो वो आपकी चॉइस है, ठीक है, तो आपको लगा लेना है। देन गाइस आपको फिर क्या करना है, आपको ऐसे रखने के बाद आपको डन नहीं करना है, आपको जाना है ऐड फोटो में एंड गाइस आपको ब्लैक शीट ओपन करनी है। देन आपको उसको साइज इतना रखना है, रिजल्ट में जाना है, आपको इन्वर्ट कर देना है इसको। फिर आपको ब्रश लेना है, आपको गाइस थोड़ा सा ब्रश का साइज छोटा रख लेना है एंड आपको अपनी फोटो को जूम करना है। एंड गाइस आपको फोटो को जूम करने के बाद आपको ऐसे कुछ सर्कल मतलब कि एक शेडो क्रिएट करनी है। एंड गाइस अभी आपको लग रहा होगा कि यार ये तो शेडो तो हमारे ये जो है लेंस के ऊपर हो रहा है, बट गाइस अभी क्या करना है आपको मैं बताता हूँ। अभी आपको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करने के बाद आपको सिंपली डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड इरेजर टूल के ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली उसको क्लिक करके आपको उसको मूव डाउन कर देना है, ये नीचे की तरफ चले जाएगा आपके। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको गाइस वापस से पहले तो इस PNG को लेना है, ठीक है, तो इस PNG को लेने के बाद आपको मूव डाउन करना है एंड गाइस देखिए कुछ मतलब ये पार्ट रह जाएगा आपका मतलब कि शेडो बनाने के लिए, तो आपको सिंपली वहाँ पे शेडो क्रिएट कर लेनी है कुछ इस टाइप से। तो आपको अच्छे तरीके से एकदम शेडो बनानी है आराम से, ठीक है, टाइम देके। मैंने यहाँ पे थोड़ी वीडियो को फास्ट कर रखी है तो इसलिए आपको थोड़ा फास्ट दिख रहा होगा, आप लोगों को एकदम आराम से करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको इतना कर देने के बाद आपको फिगर करना है, पहले गाइस ये जो साइड में कुछ पार्टिकल्स रह गए इनको मैं पहले इरेज कर लेता हूँ एंड गाइस अब परफेक्ट है। अब गाइस यहाँ पे इसको जो है शेडो की ओपेसिटी जो है आपको यहाँ पे कम कर लेनी है, जैसे गाइस आपको पता जो शेडोज होती है हमारी वो कम होती है, तो गाइस इसलिए आपको उसकी ओपेसिटी कम रखनी है। देन आपको कर देना है डन, ठीक है। फिर इतना हो जाने के बाद आपको फिर करना, आपको जाना दोबारा ऐड फोटो में एंड गाइस यहाँ पे ऐड करना आपको एक शेडो स्मोक का PNG एंड आपको उसको क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंपली इसका पहले ब्लेंडिंग मोड चेंज करके आपको उसको स्क्रीन कर देना है एंड उसके बाद आपको फिर करना आपको फुल स्क्रीन करना है एंड कुछ स्टेप्स आपको यहाँ पे अपनी फोटो के पास ऐसे रख देना है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको सिंपली डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके डन कर देना है एंड गाइस उसके बाद आपको इस फोटो को यहाँ पे सेव कर लेना है एंड जो गाइस हमारी मेन चीज़ है कलर ग्रेडिंग वो आप करेंगे हम लाइटरूम ऐप में, तो इसको हम सिंपली सेव कर लेते हैं एंड करते हैं लाइटरूम ऐप को ओपन। एंड गाइस लाइटरूम ऐप में मैंने फोटो को पहले से ही ऐड कर रखा है, तो अब आपसे को करना है कि आपको जाना है स्लाइड वाला ऑप्शन में, आपको उसका सिंपली कॉन्ट्रास्ट है जो इसको आपको थोड़ा कम कर देना है, ठीक है, मतलब सॉरी बढ़ा देना है कॉन्ट्रास्ट को एंड जो हाईलाइट है इसको थोड़ा आपको कम कर देना है, ठीक है। फिर इतना जाने के बाद आपको जो शेडो है इसको आपको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है एंड नीचे मिलेगा आपको व्हाइट, आपको सिंपली व्हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, जो ब्लैक होगा इसको भी थोड़ा कम कर देना है। फिर उसके बाद आपको जाना है एज कलर्स वाला ऑप्शन में, आपको गाइस यहाँ पे वाइब्रेशन को बढ़ा देना है, थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर देना है ताकि फोटो में जाए थोड़ा सा ब्लू टोन आ जाए। फिर आपको कलर मिक्स में जाना, आपको ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन आपको थोड़ा सा माइनस करना है एंड लूमिनस जो है आपको अपने फेस के अकॉर्डिंग बढ़ा देना है, ठीक है, अपने फेस के अकॉर्डिंग बढ़ाना है लूमिनस। एंड उसके बाद आपको जाना येलो कलर में एंड गाइस येलो कलर जैसे कि हमारी फोटो में नहीं है तो हमारा फेस है जो उसको हम थोड़ा सा ह्यू है जो उसका येलो टोन में ले आते हैं एंड सैचुरेशन थोड़ा कम कर देते हैं। देन आपको जाना डार्क ब्लू में, आपको उसका सैचुरेशन थोड़ा सा माइनस कर देना है ताकि गाइस ब्लू कलर जो है हमें नहीं चाहिए तो हम उसका सैचुरेशन माइनस करेंगे। एंड उसके बाद अगर आपको पर्पल कलर आपकी फोटोज़ में हो अगर आपको नहीं चाहिए हो तो आपको उसका सैचुरेशन माइनस कर देना है। देन आपको जाना है नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पे फोटो की जो क्लियरिटी आपको उसको इंक्रीज कर देना है एंड गाइस आपको नीचे यहाँ पे विग्नेट मिलेगा, आपको सिंपली गाइस विग्नेट थोड़ा सा डाल देना है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग डालना विग्नेट यार, ठीक है, क्योंकि मतलब कि क्या होता है किसी को विग्नेट चाहिए होता है किसी को नहीं, तो अपने अकॉर्डिंग डालना। फिर आपको यहाँ पे ग्रेन माउंट मिलेगा, आपको उसको बढ़ा देना है एंड जाना नीचे वाले टूल में, आपको फोटो की शार्पनेस इंक्रीज कर देनी है, आपको यहाँ पे फिर थोड़ा नॉइज रिडक्शन मिलेगा आपको उसको बढ़ा देना है एंड इसके नीचे मिलेगा आपको कलर नॉइज रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटो जहाँ पे कंप्लीट रिटच हो चुकी है। तो गाइस आई होप कि यार आपसे वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए गाइस मिलता हूं मैं किसी और नई वीडियो में, तब तक लेक गुड बाय।